तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम वापस 100 डेज लावा सीरीज़ में आ चुके हैं। तो ये सेकंड पार्ट है हमारे प्रीवियस, उसका तो कंटिन्यू करेंगे अब। तो 50 डेज हमने 53 डेज कंटिन्यू कर लिए थे, 52 डेज, तो आप 53 से वापस अब। और इस एपिसोड में हम वेदर बॉस को मारने वाले हैं, उसकी तुड़ाई करने वाले हैं और बीगन बनाएंगे केड़ा सा। और एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें बीगन को, वीगन कह रहा हूँ मैं, वेदर बॉस को बिना डैमेज खाए ना तुम उड़ा दोगे। मतलब मात्र 20 से 30 सेकंड में तुम वेदर को पेल दोगे। तो डे 53 की शुरुआत हो चुकी थी और अपना देख कितना मस्त हो चुका है। स्लाइमी मेरे बोर्ड पर कब्जा कर रखी है, हटा 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 भाई, हट जाती है अरे कतई मेरे उस पर। और देखियो कैट कैसे देख रही बेचारी, वह तो फंस गई वहाँ, हम तो कुछ ना कर सकते भैया, ये हमारी बोट मस्त हो चुकी है। और देखो घर कितना मस्त एस्थेटिक लग रहा है, क्योंकि पहले 52 डेज हमने बहुत ही मेहनत करी थी ना। और अब यहाँ पे, और देखो गोलम, देखो आयरन गोलम यहाँ पे। और तुम कह रहे हो ये इतने घर के अंदर कैसे आयरन गोलम ना, तो तुम्हें मैंने पहले एपिसोड में तुमने देखा होगा, तो नीचे मैंने पूरा का पूरा गांव बसा दिया था, उसी के चक्कर में यहाँ पे गोलम वो रखे हैं आयरन गोलम। तो ये हमारी फैक्ट्री हमने एक तरीके से बना दिया, तुम्हें पता ही है कितना मज़ा ही आएगा। अब यहाँ पे देखो भाई साहब, ओके तो मेरे पास कोई पैट है नहीं था, तो मुझे पैट चाहिए था इस वो वैसी उसमें, तो मेरे को भाई बेड वेड बहुत चाहिए थे, ताकि मैं ब्रीडिंग करवा के उनको मस्त तरीके से अपना वो बढ़वाऊँ और उनको लाइब्रेरी में काम लगवाऊँ, ताकि मेरे को एन्चांटमेंट मिले। ओके तो मेरे को बेड वेड हो गए थे मेरे पास, तो मैंने बेड लगाना चालू कर दिए, ताकि भाई साहब लौंडे वोंडे कुछ करें ना करें। ओके तो अब मैं इनको फिर लाइब्रेरी वगैरह का वो काम चालू कर दिया था यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे ले भाई गाजरी गाजर पेल, भाई गाजरी गाजर पेल, और ब्रीडिंग करो, बालक बालक बनाओ अपने फटाफट, ताकि लाइब्रेरी बनाओ। और देखो यहाँ पे ब्रीडिंग कंप्लीट हो गई थी, और छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चे कितने आ गए चुके थे, तो मस्त लग रहा था। ये देखो सुअर पिकलेट, यहाँ पे हमारे पिकलेट ज़ॉम्बीज हमारे पे अटैक कर रहा, हमने पेल डाला उसको। ओके तो काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार एन्चांटमेंट हमारे को मिलने लग गई थी, और इन्फिनिटी भी हमें मिल चुकी थी। ओके तो इसके बाद काफ़ी दिन मैंने ट्रेड अपने स्पेंड करे विलेजर्स के साथ ट्रेड करने में, और मस्त मस्त सी चीज़ और डायमंड आर्मर मेरे पास आ चुका था। देख रहे हो तुम कितना मज़ा आ रहा था, कतई जहर भाई साहब। और मैंने उस पर प्रोटेक्शन एन्चांटमेंट लगा दिया था फटाफट, और हमारा आर्मर कैड़ा बन चुका था इस टाइम। मतलब मेरे को सुपर डुपर कैड़ा नहीं, बस काफ़ी हद तक हमारा मस्त बन चुका था। और यहाँ पे जो हमारे आयरन गोलम वो रहते स्पॉन, तो धड़ाधड़ मैंने उनमें माल लगाई और धड़ाधड़ आयरन में कलेक्ट करना चालू कर दिया था मैंने। ओ देखो ज़ॉम्बी फाइट फिगलेन, देखो साला नीचे लावा के अंदर घुसा पड़ा है। और ये देखो ये स्लाइमी, यार स्लाइमी ने मेरे हद खराब कर रखे। मतलब जहाँ देखो कहाँ क्या ही बताऊँ मैं। देखो यहाँ पे मैंने खूब सारे वो पेले पड़ा जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, बहुत जल्दी जल्दी स्पॉन हो रहे थे, इतना सारा आयरन मेरे पास इकट्ठा हो चुका था। फिर मैंने एनविल बना लिया और बो बना लिया था, उसके बाद एन्चांटमेंट लगाए थे, फिर मैंने ना पावर 5 और अनब्रेकिंग 3 और इन्फिनिटी वाली एन्चांटमेंट मस्त मस्त से आए, और हम नेदर पे जाने के लिए तैयार हो चुके थे अब। ओके तो अब मैंने नेदर वेदर बना गया, और नेदर के लिए नेदर फोर्टेस तो मुझे मिली नहीं, और बेस्ट 10 दिख गया बेस्ट 10 से भाई साहब, क्योंकि अब तुम्हें पता है क्या मस्त मस्त लूट मिलने वाली है हमें ना। देखो ब्रूड, देखो मैंने ब्रूड को मैंने ब्रूटली मार दिया, उसकी टट्टी निकाल दी, और देख लो नेदर वार्ड, ओए मज़ा आ गया भाई, तुम्हें पता है कितनी कमाल की बात है, ये मिल गई हमें अब। फिर मैंने अब लूट चेकआउट करनी शुरू कर दी भाई साहब, जैसे ही मैंने चेस्ट को ओपन करा ना, मेरे पीछे पिगलेन और इसकी फौज पूरी, और भाई साहब पहना फटाफट भागा और धाई धाई इनों के पिछवाड़े पे तीर तीर मारना चालू कर दिया। और तब मैंने आखिरकार भाई साहब लूट काफ़ी सही थी। ओके तो बेस्ट इन के टॉप पे जाने का मुझे रास्ता मिल गया था, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर जाने लगा ना भाई, मेरे पीछे ब्रूटर भाई साहब, मेरे पीछे पूरे के पूरी आर्मी पड़ गई थी, और मैंने किस
तुम दबा के मैंने भागा, और मेरे को पता है अपने पिछवाड़ा बचाना था तो मैंने भागा फटाफट। अब मारना शुरू कर दिया धाइंदा धाइंदा तीरों से, पिछवाड़ा पेल दिया लाल कर दिया नोगा। ओके, तो उसके बाद टॉप फ्लोर पे जाके मैंने पिगलिन को टॉप फ्लोर से जाके मारा पट्टी पट्टी। और जब मैंने जाके चेकआउट करी ना लूट, ओ भाई इतनी मस्त लूट मिली ना, जैसे कि तुम देख सकते हो कितनी मस्ती मस्त 71 डे आके चका था हमारा, इतना मस्त लूट के साथ ना कभी मज़ा आ गया था। फिर मैं अपने पृथ्वी पर वापस आया, देखो पिगलिन ज़ॉम्बी पिगलिन का बालक। ओह मेरी कैट, देखो मेरे को अब उस कैट को ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरे पास पहले से ही पैट आ चुका था। ओके, तो ट्रेडिंग हॉल में जाके मैंने फिर बॉस फिर फटाफट जाके ब्रीडिंग और ट्रेडिंग चालू कर दी वापस ना। ओके, तो मेरे को जो पिकेक्स मिली थी उस पर मैंने एन्चेंटमेंट लगा लिए थे। ओके, तो फिर से मैं वापस नेदर में जाने के लिए तैयार हो चुका था, क्योंकि पता है अब वेदर के लिए फाइट करने के लिए करीब आ चुका था। फिर मैंने गोल्ड के लिए खुदाई करने चालू कर दिया फटाफट, बहुत सारा गोल्ड मैंने और गोल्ड के फटाफट मैंने आर्मर वगैरह और सारी चीज़ें बनाई, हेलमेट वेलमेट बनाए। ओके, मैंने तो पिगलिंस के साथ ट्रेडिंग चालू कर दी थी, और देखो घास जो भी है उसको पेला और फिर फटाफट पहुँच करी। ओके, तो फाइनली मुझे पोर्शन ऑफ फायर रेजिस्टेंस दे दिया था। देख रहे हो तुम कितने मस्त नेदर वॉर्ड के अंदर कितनी कैडी कैडी चीज़ थी, लेकिन मेरे पास पहले से ही बहुत सारी चीज़ थी तो मेरे को इतना वो था नहीं अभी ये को ना नेदर वॉर्ड की, अब मुझे इतनी ज़रूरत थी नहीं क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत सारी मिल गई थी। देखो ब्लेज स्पॉनर देख रहे हो भाई साहब, ये ब्लेज रॉड को खूब पेला मैंने ब्लेज रॉड के लिए, मैंने खूब पेला है इनको ताकि मेरे को ब्लेज रॉड मिल जाए। ओके, तो उसके बाद मेरे को ढाकर मिल चुका था, ढाकर मतलब स्केलेटन, ठीक है। तो ढाकर को मैंने पेला पेल पेलम पेल मचानी चालू कर दी, लेकिन मुझे बाद में याद आई कि मेरे को भाई वेदर बॉस के लिए वो क्यों नहीं मिल रहा था, वेदर स्कल क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे मेरे गलती हो गई थी क्योंकि मैंने एक चीज़ नहीं लगाई थी। तो फिर मैं वापस पृथ्वी पर गया नर्क और लूटिंग 3 एन्चेंटमेंट लगाई, जैसी मुझे मिली तुरंत मैंने लगाई और भाई साहब फिर तो मौज ही आ गई भाई। फिर मैं नर्क में वापस जाने के लिए तैयार हो चुका था, और फिर नर्क में जाते ही मैंने पेलम पाली फिर से मचानी चालू कर दी, लेकिन मेरे को इतना पेले देखो स्लाइमी ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे यार, यहाँ पे भी इन्होंने पेल पेल के मेरे को इतना हालत ख़राब कर दी ना। फिर मैंने फटाफट गई और ढाकरों को वापस मारना चालू कर दिया, ये काले ढाकर हैं ठीक है, काले ढाकर कहते हैं एक जो हमारे पृथ्वी पर मिलते हैं वो सफ़ेद ढाकर या काले ढाकर, तो इन्हों को पेल पेल ना मैंने चालू कर दिया। और फिर इन्हों को मैंने देख रहे हो तुम पिट पिट के इतना पेला इतना पेला ना, इतने को इन्हों को वहाँ से ब्लेजर मेरे पे अटैक करे जा रहे थे और यहाँ मैं काले ढाकरों पे अटैक करे जा रहा था। ओके, तो काफ़ी देर की मेहनत के बाद काले ढाकरों को पेलने के बाद मेरे को आखिरकार स्कल मिल चुका था। ओके, तो जैसे ही मेरे पास सारी चीज़ें हो गई वेदर स्किल को करने के लिए तो मैंने फटाफट माइनिंग चालू कर दी, और मैंने जैसे कि तुम्हें बताया एक मैं तरीका बताऊंगा तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे चालू कर दी थी, जहाँ पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा बिना डैमेज खाए और कैसे हम वेदर बॉस को मार सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत दिन तक वो डिगिंग करी और फिर सामान चालू करे, और फिर मैं पृथ्वी पे आया सामान लिए नायदर का टूल वगैरह, और देखो सूरज कितना मस्त लग रहा है यार, मन कर रहा है मैं तो लावा के ऊपर लेट जाऊँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं लावा में जल जाऊँगा तो फिर जाने का कुछ फ़ायदा है नहीं। और फिर मैंने अपना मस्त तरीके से अपना आर्मर नैदर वैदर लगा के मस्त कर लिया था, जैसे कि तुम देख रहे हो इतना मज़ा आ रहा था ना इसको पहन के, ऐसा लग रहा था पावर रेंजर एसपीडी मिस्टिक फोर्स निंजा स्ट्रॉम सब मैं ही हूँ भाई साहब, ढुमके ढुमक करके मटक ही रहा था मैं, तुम्हें देख रहे हो कितने मज़े आ रहे हैं। अपने घर के निहारते हुए और मेरे को अब नर्क में जाना था और वेदर बॉस को पेलना था विदाउट डैमेज के। ओके, तो मैं नैदर में आ चुका था, यहाँ पे भी स्लाइमी और देखो घोड़ा मतलब लांबा, अरे घोड़े क्या हो रहा है ये ना माने भाई साहब।
ओके तो चलो भाई, अब मैंने सीलिंग में चला गया, यहाँ पे मैं अपना स्पॉन करता हूँ और मैंने डिगिंग और करनी चालू कर दी अगर कुछ गलत होता है, ताकि ताकि मैं बच जाऊँ। चलो भाई, ऑब्सीडियन टी शेप में फिक्स करा, फिर मैंने सैंड लगाई, उसके बाद इसमें तीन फेस लगा के भाई सब देखो, नेदर बॉस आ चुका था। वेदर बॉस, नेदर बॉस क्या कह रहा हूँ मैं, वेदर बॉस को मैंने खूब पेला। और देखो इस तरीके से सर मैंने उसका सीलिंग में अटका दिया था, तो अब मैं उसको मार रहा था ना भाई मेरे विदाउट डैमेज, और मैं वेदर स्टार ले लेता। देखो मैं पेले पड़ा था इसको, ऐसे तीरों से फटी फट फटी फट इसके पिछवाड़े पिछवाड़े, बेचारा सोच रहा होगा अरे मैं तो ऊपर क्या हो रहा है मेरे साथ, मजा लो कौन मार रहा है मेरे को। और मैं उसको लिटरली पेले चले गया था। यही वो ट्रिक थी जिसका मैं आपसे बता रहा था ना, विदाउट डैमेज खाए तुम मौज ही मौज कर सकते हो। ओके तो फाइनली मेरे को वादर स्टार मिल चुका था, और अब बीकन बनाने के लिए हम रेडी थे, तो मैं अब पृथ्वी पे वापस आया। ओके तो अब मेरे पास ग्लास नहीं था, तो फिर मैं जाके और ग्लास मैंने ट्रेडिंग व्रेडिंग करी लाइब्रेरियन से जाके, और ग्लास ले सके। और फिर जैसे ही मेरे पास ग्लास आया, तो मैं भाई साहब अपना बीगन बनाया मैंने, फिर मैंने एरिया डेवलप करना चालू कर दिया अपने बीगन को तैयार करने के लिए। ओके तो जैसे ही मेरे को ये तैयार हुआ, तो देखो मैं यहाँ पे बीगन बनाने के लिए, फिर मेरे को याद आया अरे ये तो कम पड़ जाएंगे एमलेट्स, फिर मैंने एमलेट ब्लॉक फिर वापस चालू करा ट्रेडिंग, और फिर वापस कंप्लीट बना के अच्छी तरीके से एमलेट वगैरह लगा के ना, फिर मैंने वापस लेयर लगाई है इसकी, और उसके बाद अब बीगन लगाने का टाइम आ चुका था, और ये मैंने बीगन लगाया और ये हमारा हो गया एक्टिवेट। देख रहे हो कितनी खुशी भाई, सब कतई मौज आ गई। हमारी 100 डेज की सर्वाइवल सीरीज हमारे यहाँ पर ये लावा वर्ल्ड की ख़त्म होती है। तो वीडियो कैसी होती है लाइक सब्सक्राइब शेयर करके बता देना, और ऐसे यार चैनल को सपोर्ट करते रहो। इस वीडियो का मैं लाइक रखता हूँ 10 लाइक, 10 लाइक तो ठोक दो, तुम बिल्कुल भी मौज नहीं कर रहे हो। मैं देख लो थक हार के आ रहा हूँ, तब भी तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ, और व्लॉग मेरे दूसरे ऋषभ रोहेला व्लॉग्स पे जाके चेकआउट कर लो और मजा आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।